अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी में हमने बनाई खीरी मसाला बोटी। ये बहुत ही डिलीशियस बनती है, खाने में तो इसकी बोटी एकदम मलाई जैसी लगती है। तो हमने ये रेसिपी किस तरह से बनाई है चलिए देख लेते हैं। तो ये हमने कुकर ले लिया है, हमने इसको गैस पर रख दिया है। इसमें हमें ये 50 ml के करीब सरसों का तेल ऐड कर देना है। तेल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। तेल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें हमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर देने हैं, 4 से 5 लौंगे, एक दालचीनी का टुकड़ा है, एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची है, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हमें इसे तड़प जाने देना है इस तरह से हमें तेल में, ताकि मसालों की खुशबू तेल में अब्जॉर्ब हो जाए। अब इसमें हमें ये खीरी ऐड कर देना है, ये 1/2 किलो खीरी हमने इसमें कलेजी मिक्स कराई है, इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है ये खीरी। जिन्होंने नहीं खाई है उनको नहीं पता है ये खीरी क्या होती है, और जो खाते हैं उनको ये पता है कि खीरी क्या है। इसको हमें अच्छे से भून लेना है इसी में, जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सारा पानी छोड़ दिया है। ये ऐसा मीट है जो बिल्कुल मुंह में घुल जाता है। तो देखिए फ्रेंड, ये अच्छे से भून चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। इसमें हमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। इसे भी हमें अच्छे से भून लेना है इसी में, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। तो देखिए फ्रेंड, अदरक लहसुन भी हमारा अच्छे से भून चुका है, आप देख सकते हैं तेल भी पूरा सेपरेट हो चुका है। चलिए अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। ये 1/2 चम्मच हमें हल्दी पाउडर ऐड कर देना है, 1/2 चम्मच हमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देना है, 2 चम्मच हमें धनिया पाउडर ऐड कर देना है, 1 चम्मच हमें नमक ऐड कर देना है, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखिएगा, 1 चम्मच हमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देना है। इससे कलर बहुत अच्छा आता है, इसलिए हमने इसमें ऐड किया है। अभी सभी मसालों को हमें इस तरह से अच्छे से भून लेना है। अभी हमने इसमें प्याज ऐड नहीं किए, प्याज हम इसमें बाद में ऐड करेंगे फ्राई करके। पहले हमें इन मसालों को भून लेना है, उसके बाद हम प्याज ऐड करेंगे इसमें। तो देखिए फ्रेंड, मसाला भी हमारे अच्छे से भून चुका है, आप देख सकते हैं ये। अब इसमें हमें ये प्याज ऐड कर देना है, ये हमने 2 मीडियम साइज की प्याज को फ्राई कर लिया था, इसमें हम ऐड कर देंगे। अब इसी में हमें ये 1 कप पानी ऐड कर देना है। खीरी को गलाने के लिए हमें 1 कप पानी ऐड करना है इसमें। हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमें कुकर का ढक्कन लगा देना है। अब इसमें हमें 5 से 6 सीटी ले लेनी है, ताकि खीरी हमारी अच्छे से टेंडर हो जाए। हाई फ्लेम पर 1 सीटी आ चुकी है, तो हमें गैस का फ्लेम मीडियम टू लो पे कर देना है। मीडियम फ्लेम पर हमें 4 से 5 सीटी ले लेनी है। 10 से 15 मिनट लगेगा फ्रेंड्स इसे टेंडर होने में। तो देखिए फ्रेंड, 4 से 5 सीटी आ चुकी है मीडियम फ्लेम पर। अब हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और हमें वेट कर लेना है, कुकर का प्रेशर रिलीज होगा, उसके बाद हम चेक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, कुकर का प्रेशर रिलीज हो चुका है, चलिए हम चेक कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से हमारी बोटी टेंडर हो गई है, ये आसानी से टूट रही है। जितना भी इसमें पानी है, हम सारा पानी इसका खुश्क कर लेंगे। 1 से 2 मिनट लगेगा फ्रेंड, ज़्यादा पानी इसमें नहीं है, क्योंकि हमने पानी बहुत कम डाला था। अब इसी में हमें ये 1/2 चम्मच गरम मसाला ऐड कर देना है, ये होममेड गरम मसाला है, इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इसी में। फ्रेंड्स, पानी खुश्क हो चुका है, मसाला भी अच्छे से भून चुका है, एकदम देख सकते हैं एकदम दानेदार मसाला है इसका। फ्रेंड, इस तरह से आप खीरी कलेजी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनेगी आपकी खीरी कलेजी, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। हो चुका है, अब इसमें हमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है, ताकि हमें थोड़ी सी ग्रेवी मिल सके। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, बस थोड़ा सा ही पानी इसमें डालना है। तो ये देखिए, ये इतनी ग्रेवी हमें चाहिए। इसी में हमें थोड़ी सी ये हरी धनिया ऐड कर देना है, इसे हमें ढक देना है और गैस का फ्लेम हमें ऑफ कर देना है। तो देखिए फ्रेंड, खीरी मसाला पोटी तैयार हो चुकी है बनके, बहुत ही यम्मी लगती है खाने में, एकदम मलाई जैसी लगती है। तो आप लोग मेरे मेथड से जरूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। अगर आपको ये रेसिपी हेल्पफुल लगी हो तो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड में जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।